नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज फिर आपके साथ एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। आज का जो विषय है वो है ट्रांसपोर्ट कंपनी। आपकी अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी है और आपके यहाँ ट्रांसपोर्ट में जो काम होता है वो ऑयल का काम होता है। आपकी जो गाड़ियाँ हैं वो कंपनी से ऑयल लेकर पेट्रोल पंप पर खाली करके आती हैं। आपके यहाँ जो गाड़ियाँ हैं वो एक दो नहीं, बहुत सारी गाड़ियाँ होती है। आपके यहाँ गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए कंपनी के आसपास ही गोडाउन बनाया जाता है। उसमें आपको अपना सेटअप कैसे करना चाहिए? आपका जो गोडाउन है वो ईस्ट फेसिंग यानी पूर्वमुखी है। इसमें आपने अपने यहाँ पर जो मेन गेट बनाना है जिससे आपके यहाँ गाड़ियाँ अंदर आएगी वो ईस्ट सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर बनाना है। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो आपका गोडाउन है वो रोड लेवल से हमेशा ही ऊंचा होना चाहिए। और जो आपका अपना मेन गेट है, इस मेन गेट पर आपने जो कलर करना है या तो आपने लाइट ग्रीन कलर करना है या लाइट ब्राउन कलर करना है। गेट से एंट्री करने के बाद जो आपकी गाड़ियाँ खड़ी होंगी वो गाड़ियाँ आपकी साउथ जोन में यानी साउथ से लेके साउथ ईस्ट तक, इस जोन में आपकी जितना आपके पास स्पेस है उस हिसाब से आपकी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हो जाएंगी। ऐसे ही आपने जो गाड़ियाँ खड़ी करनी है वो गाड़ियाँ आपकी यहाँ पर भी आपकी गाड़ियाँ आ जाएंगी। जितना आपके पास स्पेस है उस हिसाब से आप यहाँ पर भी अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। इसमें आपने जो ध्यान रखना है, जो आपका नॉर्थ ईस्ट का भाग है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से लेके नॉर्थ तक, इस जोन में आपने कभी भी गाड़ी खड़ी नहीं करनी है। आपने अपने यहाँ पर पानी की जो बोरिंग लगानी है वो बोरिंग आपकी नॉर्थ ईस्ट के भाग में यहाँ पर आपका पानी की बोरिंग लगानी है और इसी के साथ आपने हार्वेस्टिंग टैंक बनाना है। हार्वेस्टिंग टैंक आपका पानी की बोरिंग के साथ इस जोन में आपका हार्वेस्टिंग टैंक बन जाएगा। अब बात करते हैं ऑफिस ब्लॉक की। आपने ऑफिस ब्लॉक कहाँ बनाना है? आपने ऑफिस ब्लॉक साउथ जोन में बनाना है। आपका अपना ट्रांसपोर्ट का काम है, आपके यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ होती है, उनकी मेंटेनेंस के लिए एक आपको स्टोर भी बनाना पड़ता है। वो स्टोर आपने साउथ वेस्ट के भाग में बनाना है। उसमें साउथ की दीवार के साथ आपके स्पेयर पार्ट्स और टूल आ जाएंगे और इसी के साथ आपके यहाँ टायर्स भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। वो टायर्स आपने इस जोन में यहाँ पर आपने टायर्स रखने हैं। जो आपके स्पेयर पार्ट का जो रूम है, इसकी जो एंट्रेंस है वो आपने इसके नॉर्थ ईस्ट के भाग से बनानी है। जो आपका स्टोर है उसके नॉर्थ ईस्ट के भाग से आपकी एंट्रेंस बनेगी। इसी के साथ में आपने अपना एक ऑफिस बनाना है, वो ऑफिस आपका साउथ साउथ वेस्ट में आ जाता है। उसकी जो एंट्रेंस बनानी है यानी जो ऑफिस की एंट्रेंस बनानी है, ऑफिस के नॉर्थ ईस्ट के भाग से आपने एंट्रेंस बनानी है। जो टेबल रखनी है वो टेबल आपने साउथ से नॉर्थ की ओर लंबी टेबल रखनी है। जब आप टेबल पर बैठेंगे तो आपका फेस ईस्ट की ओर होगा। इसी के साथ आपने अपने यहाँ पर एक अलमारी रखनी है, वो अलमारी आपने अपने कैबिन के साउथ वेस्ट के भाग में रखनी है। आपकी टेबल के सामने आपसे मिलने वाले जितने भी विजिटर हैं वो आपके यहाँ बैठ जाएंगे। अब बात करते हैं स्टाफ की सीटिंग की। स्टाफ की सीटिंग आपने ऑफिस के आगे वाले रूम में बनानी है। उसकी जो एंट्रेंस है वो भी नॉर्थ ईस्ट के भाग से बनेगी। अकाउंट रूम में जो सीटिंग करनी है वो सीटिंग एक स्टाफ आपका यहाँ बैठ जाएगा और दूसरा स्टाफ आपका यहाँ बैठ जाएगा। स्टाफ का फेस ईस्ट की ओर होना चाहिए और इनके सामने विजिटर चेयर आ जाएंगी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा आपके यहाँ स्टाफ के सोने के लिए कमरे आपने कहाँ बनाने हैं। वो कमरे आपने वेस्ट की दीवार के साथ जो आपका गोडाउन बनेगा, स्पेयर पार्ट्स का जो गोडाउन बनेगा, यहाँ से लेकर जितना स्पेस आपके पास मिलता है उस स्पेस के हिसाब से दो रूम बनते हैं दो रूम बनाएं, तीन रूम बनते हैं तीन और चार रूम बनते हैं चार, या जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप अपने रूम वेस्ट की दीवार के साथ बनाएं। इनके लिए जो टॉयलेट बनानी है वो टॉयलेट आपने वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट तक, इस जोन में आपने टॉयलेट्स और बाथरूम बनाने हैं। अपने इस गोडाउन में
जो फर्श की ढलान करनी है वो फर्श की ढलान साउथ वेस्ट कॉर्नर से नॉर्थ ईस्ट की ओर करनी है। मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, जो आपका स्पेयर पार्ट्स का रूम है, इस रूम को आपने पूरे फर्श के लेवल से हमेशा ही ऊंचा रखना है। यदि आप इस प्रकार से अपना सेटअप कर लेते हैं तो आपका काम हमेशा ही बढ़िया चलेगा, आपकी कोई भी गाड़ी खाली नहीं होगी, आपको समय पे माल मिलता रहेगा और समय पे ही आपकी गाड़ी पंप पर जाकर खाली हो जाएंगी। आपके यहाँ जितने भी गाड़ियाँ हैं उनकी मेंटेनेंस भी आपकी बहुत कम होगी। आपका भी अपना ट्रांसपोर्ट का काम है तो आप भी इस तरीके से अपना सेटअप करेंगे तो मेरा अपना ये मानना है आपको भी बहुत बढ़िया रिजल्ट जरूर मिलेंगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने सर्कल में शेयर कीजिए, और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियो है वो आप तक जरूर पहुँचे। अगले प्रोग्राम में फिर एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।